रितु के ससुराल में ऐसा कहर बरसा कि कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। उसके लिए यह सदमा सहना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे वो अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन इसी बीच ससुर जी ने एक ऐसी हरकत कर दी कि रिश्ते नातों से रितु का भरोसा ही उठ गया। उसने अपने ससुर जी से ऐसी अश्लील और घटिया हरकत की उम्मीद तो कभी नहीं की थी। एक ससुर को तो कम से कम अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर वही मर्यादाहीन होकर ऐसा करेगा तो उनका बेटा उनसे क्या सीखेगा। बस यही विचार उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सोचने वाली बात यह है कि ससुर जी ने आखिर ऐसा क्या किया कि रितु की नई नई शादीशुदा जिंदगी इफेक्ट होने लगी। दरअसल रितु की शादी के 8 महीने बाद ही ऐसा कहर बरसा कि उसकी सास हंसा चल बसी। सासू माँ और ससुर जी बहुत से प्यार रहते थे। उनको साथ देखकर लगता ही नहीं था कि उनके इतने बड़े बच्चे होंगे। हमेशा साथ घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, बस यही उनके शौक थे। वो दोनों ही बहुत खुशनुमा जिंदगी जी रहे थे। लोग इनकी जोड़ी की मिसाल देते थे और कहते थे कि प्यार हो तो ऐसा। अपने ससुर को देखकर रितु भी सोचती थी कि मेरा पति भी मुझे इतना ही प्यार करेगा जितना ससुर जी सासू माँ को। कितनी बार उनका प्यार देखकर रितु को लगता था कि सास ससुर जी उससे भी ज़्यादा जवान है। अमित यानी रितु के पति का ड्यूटी टाइम पर लंबा होने के कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कम वक्त बिता पा रहे थे। इधर सास ससुर जी भी एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। इन परिस्थितियों के बाद रितु ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो आदमी अपनी बीवी के बिना एक मिनट नहीं रह सकता है वो उनके मरते ही इतना बदल जाएगा। 1 महीने में नई शादी भी कर लेगा। कहाँ गया वो सारा प्यार, सारी परवाह जो इतने सालों से ससुर जी सासू माँ को दिखा रहे थे। उनके गुजरते ही 1 महीने में वो एक नया प्यार ढूंढ ले आए और एक पराई औरत से सासू माँ की जगह दे दी। ससुर जी की इस हरकत को सहना रितु के लिए नामुमकिन था। जिस जिंदगी, जिस आदमी को इतनी इज्जत करती थी, आज वो उसी के सामने ये सब कर रहा था। उसका असली चेहरा इतना घटिया था, एक पल में वह अपनी पत्नी को भूल गया और इस तरह की नई गृहस्थी बसा ली जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या इतनी जल्दी किसी को भूल पाना, नई जिंदगी शुरू कर लेना हो सकता है क्या? 35 साल का रिश्ता 35 दिन में ख़त्म हो गया। रितु बहुत भावुक लड़की थी और उसके लिए हर रिश्ता बहुत अहम था। दो दिल में जीने वाले लोगों के लिए इसलिए उस पर इस बात पे बहुत फर्क पड़ रहा था। पूरे दिन उसके दिमाग में बस यही बात चलती रहती थी। अमित तो जैसे अपनी माँ के जाने के बाद सुन्न हो गया हो। उसने किसी से कुछ नहीं कहना या लड़ना ही छोड़ दिया हो। और पिताजी की इस हरकत ने तो उसे पूरी तरह ही तोड़ दिया था। वो चाह कर भी अपने पिता को कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वो तो सीधा ही शादी करके आ गए थे। उनका शादी करना इतना गलत नहीं था, लेकिन 35 साल के जीवन साथी को 1 महीने में भूल कर उसकी जगह इतनी जल्दी किसी और को दे देना वो गलत था। नई शादी के बाद तो ससुर जी पूरी तरह बदल गए। अपनी नई पत्नी पर पूरी लट्टू हो गए थे। जितना ख्याल वो अपनी सासू माँ का रखते थे, अब उससे कई गुना ज़्यादा वो अपनी नई पत्नी का ख्याल रखने लगे। बस इस वजह से रितु का तो रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया था। फिर क्या होता प्यार? अगर सास की जगह ससुर जी गए होते तो क्या सासू माँ भी फिर से शादी करती? कभी नहीं। दोनों के रिश्तों के बीच इतना प्यार होने के बाद तो ससुर जी की जगह कभी किसी को दूसरे आदमी को नहीं देती। लेकिन ससुर जी ने 6 महीने भी इंतज़ार नहीं हुआ। जब वो ये सब बातें अमित के सामने शेयर करती तो अमित भी दुखी होता, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। यहाँ तक कि परिवार के बाकी सब सदस्य ससुर जी की इस हरकत पे बहुत हैरान थे। लेकिन शादी के होने के बाद ये सब कोई क्या ही कर सकता था। कभी कभी रितु को ज़्यादा दुखी देखकर अमित बस यही कहता कि इस उम्र में अपने पिता को छोड़कर भी नहीं जा सकता और तुम्हें इस हाल में मैं भी नहीं देख सकता। हो सके तो अपने आप को संभालो। मेरी माँ तो चली गई है, अब पिता को मैं जिस चीज़ की खुशी मिले उन्हें वो करने दो और तुम अपने आप पर ध्यान दो। कहते कहते अमित का गला भर जाता था और वो चला गया। पहले तो जब अमित घर आता तो एक छोटे बच्चे की तरह माँ को आवाज़ देता और सबसे पहले उन्हीं के पास जाकर उन्हें अपने पूरे दिन का कच्चा चिट्ठा सुनाता। लेकिन अब वो चुपचाप सा रहने लगा था। उसने किसी से कुछ भी कहना सुनना
छोड़ दिया था। अपने पति का ऐसा हाल देखकर रितु को बहुत चिंता हुई और उसने सोचा कि अब ससुर जी पर ध्यान देने से अच्छा है कि वो अपनी गृहस्थी संभालूँ और अपने पति पर इस सदमे से बाहर निकालूँ। माँ के जाने के बाद सदमा पहले से इतना बड़ा है और पिता ने भी ऐसी हरकत कर दी, अब बस मुझे अपनी पत्नी का फर्ज निभाना है और इन्हें दोबारा जीना सिखाना है। बस यही सोचकर रितु फिर से अपनी घर गृहस्थी और पति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। नई सास के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। रितु जैसे तैसे सब कुछ संभाल रही थी और अपनी स्वर्गवासी सास को मन में बसाकर अपनी गृहस्थी को फिर से एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।